साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। पातड़ा इलाके विच काफी लड़कियां नूं जज बनण दा मान हासिल होया। इस लड़ी तहत पातड़ा दी गीतिका गर्ग नूं वी जज बनण दा मान हासिल होया, जिसने पातड़ा दे एक निजी स्कूल विच 12वीं दी परीक्षा पास करन तों बाद जुडिशियल दी पढ़ाई लई आर्मी इंस्टीट्यूट आफ लॉ मोहाली तों LLB दी डिग्री हासिल कीती अते राजस्थान दे जुडिशियल सर्विसेज इम्तिहान विचों 18वां स्थान हासिल करन उपरांत गीतिका गर्ग दी चोण बतौर जज होई है, जिस नूं रोटरी क्लब पातड़ा वल्लों सम्मानित कीता गया अते क्लब प्रधान परशोत्तम सिंगला ने बधाई दित्ती। पातड़ा तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट। नाम गीतिका गर्ग है जी, तो मैं सूरत बराड़ तो रहने वाली हाँ। तो मैं सब तो पहला रोटरी क्लब पातड़ा इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मैनू सारे ने इतने बुला के इन्ना ज़्यादा सन्मानित किया। मेरे मम्मी नू ते मेरे मामा जी नू भी इन्होंने इन्ना रिस्पैक्ट इन्नी प्यार दिता इन्ना, तो इसलिए इस सन्मान लिए मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी कि रोटरी क्लब की जिहड़ी इन्होंने उपलब्धियां ने इन्हां दी होर भी इन्ना च वाधा होवे ते इंटरनेशनल लैवल ते भी तरक्की करन। तो मेरी सपोर्ट इन्हां नाल हमेशा रहेगी रोटरी क्लब पातड़ा नाल। थैंक यू। असीं रोटरी क्लब पातड़ा वल्लों अपने आप नूं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे हां वी साडी इस सब डिवीजन दे विचों बेटियां ने साडा पूरा हिंदुस्तान दे विच राजस्थान दे विच दा जॉइनिंग कमेटी करे रही है। पूरे हिंदुस्तान च मैं कहूँ साडा नाम रोशन कीता, असीं इस लई पूरा अपने आप नूं माण महसूस कर रहे हैं। लड़कियां वास्ते मैसेज की है कि समाज में करके नहीं, बाकी समाज के लड़कियों ने करके भी दिखाता। अज एक चेंज जो आई है तो सरकारां दे नाल नाल भावें समाज संस्थावां ने भावें कोई इंटरनेशनल संस्थावां ने जिहदे विच इह लोकां नूं जागृत किया गया। मुंडे कुड़ी च कोई फर्क नहीं, लड़कियां चार कदम अगे ने। मां बाप का देखो अज माता जी बैठे ने, साडी भाभी जी माता पिता का इन्हां ने नाम रोशन करता, साडी बेटिया ने गीता गर्ग जी ने अपने मामियां दा आपदे कुल दा सारे दा बिल्कुल जी, असीं बड़े माण नाल कह रहे हैं भी साडे पूरे इलाके दा, मैं तां कहूं साडे जिले दा नाम उच्चा हो गया।